What is up guys, welcome back to brand new video में. So guys यार आज है ना मेरा एक बहुत बढ़िया आपने दोस्त के साथ एक मस्त प्लान बनाया है. एंड गाइज आज हम दोनों मिलके खेलने वाले हैं क्रिकेट, क्योंकि गाइज तुम सभी लोगों को पता है अभी अभी आईपीएल खत्म हुआ है और यार केकेआर जीत गई. मैंने सोचा भी नहीं था कि भाई केकेआर जीत जाएगी. क्या चलो कोई बात नहीं, जो भी जीता यार यार बुरा तो लगता ही है ना. मेरी चेन्नई आ गई, थैला वॉट द रीजन अप नो मोर. अब यार तुम लोग एक बात सोचोगे कि मैं इंडियन बैक ड्राइविंग 3D गेम के अंदर ये क्रिकेट गेम कैसे खेलने वाला हूँ. वेल आज है ना हमारे इंडियन बैक ड्राइविंग 3D गेम के अंदर एक न्यू शो अब ओपन हुई है जहाँ पे गाइस यार बहुत अच्छे अच्छे PS5 मिल रहे हैं. सो गाइस मैं वहां से जाके PS5 खरीदने वाला हूँ एंड उसके बाद अपने घर में लगा के मस्त अपने दोस्त के साथ PS5 में गेम खेलूंगा. यस लेट्स गो दाते भैया. भाई मैंने हमेशा बोला है कि ये इंडियन बैक ड्राइविंग 3D गेम के अंदर ये जितनी भी कार है ना ये सारी की सारी प्लास्टिक की कार है. खैर मजाक से हटके गाइस यार ये रही वो शॉप एंड मैं फटाफट से इसके अंदर चलता हूँ एंड लेकर आता हूँ अपना PS5. ऑलराइट गाइस यार तो मैंने खरीद लिया है PS5, अपनी पीछे वाली डिग्गी पे रख लिया है एंड अब मैं फटाफट से चलता हूँ. सर रुको, पहले मैं अपने दोस्त को कॉल तो लगा दूं. एक सेकंड, मैं फटाफट से उसको कॉल आके बोलता हूं फटाफट से घर पर आ जा. ये मैंने अपने दोस्त को गाइस यार कॉल करके घर पर बुला लिया, वो 5 मिनट में घर में आने वाला है. सो गाइस मैं भी फटाफट से अपने घर चलता हूं एंड फटाफट से गाइस उस वाले सेटअप को सेट करता हूँ. मेरे पास बहुत बड़ी टीवी है जहाँ पे मैं मस्त बैठ के अपना क्रिकेट गेम खेलने वाला हूँ. ऑलराइट गाइस तो मैं अपने घर पे पहुंच गया हूँ एंड फटाफट से यार अंदर चलता हूँ. यार मुझसे बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा, अंदर जाके अपने फटाफट से गेम खेलता हूँ. तो गाइस ये रही वो टीवी एंड फटाफट से इसके अंदर वो सेटअप करता हूँ और मस्त अपना AC ऑन करता हूँ एंड आराम से बैठ के खेलते हैं वो गेम. लेट्स गो दाते भाइयों. आइए गाइस मेरा दोस्त आ चुका है एंड हम लोगों ने यहाँ पे गेम खेलना चालू कर दिया एंड मैं यहाँ पे ये वाला स्टेडियम सिलेक्ट करने वाला हूँ. एंड गाइस मेरी टीम है इंडिया की एंड मेरे दोस्त की टीम है ऑस्ट्रेलिया की. सो भाई साहब देखते हैं दोनों में से कौन सी टीम जीतती है. लेट्स गो. एंड गाइस यार अगर आप लोगों को ये वाला गेम खेलने में मजा आ रहा है तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना. एंड यहाँ पे टॉस की बारी एंड मैंने यहाँ पे टेल्स लिया है, देखते हैं कौन जीता है. और यहाँ पे एक सेकेंड, ओ वेट मैं जीत गया. एंड यार आप सभी लोगों को पता है MS धोनी का फैन हमेशा स्टार्टिंग में बॉलिंग लेता है तो मैंने भी यहाँ पे बॉलिंग ले ली है. एंड यार तुम लोगों का कौन सा फेवरेट प्लेयर है इंडिया का, मेरे को फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ. और मेरा फेवरेट तो भाई MS धोनी है. ऑली लव MS धोनी, लेट्स गो. सो यहाँ पे गाइस यार इन लोगों के बैट्समैन आ गए एंड यहाँ पे आ रहा है डेविड वार्नर, ओहो डेबू भैया. और इनके साथ ओपनिंग में आ रहे हैं एरन फिंच. क्या बात है क्या बात है, ओहो ओहो दोनों की पारी बड़ी खतरनाक है. IPL के अंदर ये दोनों बहुत गंदे धमाका मचाते हैं. सो आज मैं अपनी बॉलिंग में स्टार्टिंग में ही लेने वाला हूँ मोहम्मद शमी को. सो गाइस ये रही मेरी पहली बॉल एंड सबसे पहली बॉल मैं यहाँ पे मारता हूँ एंड लेट्स गो तेरी भैंस की ना. ओ अरे भाई साहब पहली बॉल पे छक्का मार दिया. मैंने पहले दिया इनकी पिक्की पांकी संभव भाई याने डांकी. कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ये तो पहली बॉल थी. अभी तो भाई अभी 5 ओवर बाकी हैं. ओके तो दूसरी बॉल मैंने यहाँ पे फेंकी एंड यहाँ पे आइए कट लगाए. कैसी बात कर रहा, अरे ये वाला एम्पायर ने पैसे खाए हैं मुझसे लिखवा के ले लो, मैं यहाँ पे यार रिव्यू लूंगा. ये क्या बात होती है भाई, सामने सामने मेरे को कट की आवाज आई है. एंड यहाँ पे मैं ये वाला एज लेता हूँ, जरा देखते हैं भाई क्या हुआ है. भाई मेरे 101% यार यहाँ पे एज लगाए है, एज नहीं लगा. मैं कह रहा हूँ ये गेम डिलीट मार दो, ये गेम चीटिंग कर रहा है मेरे साथ, ये मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है. खैर चलो ठीक है भाई कोई बात नहीं कोई बात नहीं. अभी देखो गाइस अभी तो स्टार्टिंग ही हुई है इस मैच की एंड यहाँ पे मैं दूसरी बॉल फेंक रहा हूँ एंड ये ले बेचे एंड यहाँ पे इसने सीधी ड्राइव कर दी. लेकिन यार हमारे इंडिया के प्लेयर एकदम धुरंधर फाड़ू इतना, अरे मर गए. अब तो ये वाली नो बॉल होगी यार मुझसे. यार अभी है ना ये न्यू कंट्रोल्स है ना, तो भाई न्यू कंट्रोल्स में अभी मेरे को आ नहीं रहा. लेकिन यार कैच हो गया, लेकिन मैं क्या ही कर सकता हूँ, नो बॉल हो चुकी है. यार पहले ओवर में मैंने कितना कुछ देख लिया, सबसे पहले मैंने छक्का खा लिया, दूसरी बॉल पे एज लग गया लेकिन एज माना नहीं गया. एंड यहाँ पे ये लो बेचे मैंने नो बॉल कराई है. एंड यार ये नो बॉल पे आइए रविंद्र जाडेजा को मैंने बहुत सही जगह लगाया एंड इन्होंने डाइव मारी लेकिन भाई साहब ये लोग बच गए. चलो खैर ठीक है कोई बात नहीं. अब ये मैं अपनी अपनी दूसरी बॉल फेंकने जा रहा हूँ एंड ये लो बेचे एंड आइए क्या स्विंग करा कि मैंने अपनी बचा ली. ओके तो अब मैं ये अपनी इस ओवर की आखिरी बॉल डाल रहा हूँ एंड यहाँ पे इन्हें बहुत ही नॉर्मल सा शॉट मार दिया लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है. हम लोगों ने भाई पहले
पहले ओवर में 11 रन दिए, एक हिसाब से देखा जाए तो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ओ आ रहा है जसप्रीत बुमराह, लेट्स गो बुमरो बुमरो बारारे बुमरो। आइए पहली बॉल, एंड पहली बॉल पे क्या ये चौका, आइए जड्डू भाई ऑन अ फायर। गाइस कमेंट सेक्शन में जड्डू भाई ऑन अ फायर लिख दो भाई, कैसे भाई लपक लिया इसको। ओके तो अब मैं ये दूसरी बॉल डाल रहा हूँ, एंड ये दूसरी बॉल पे आइए पैड्स पे खाया, लेकिन भाई चलो ठीक है भाई नॉट आउट हुआ मेरे ख्याल से, भाई पिचिंग सही से हुई नहीं होगी। लेकिन और अब ये मैं तीसरी बॉल डाल रहा हूँ, एंड ये तीसरी बॉल बहुत ही आसानी से इसने दे दिया भाई, मैं इन लोगों को ज्यादा रन लेने नहीं दे रहा। आइए ओके तो गाइस अब मैं ये अपनी ये चौथी बॉल डाल रहा हूँ, एंड आइए ये चौथी बॉल भी इन लोगों ने नॉर्मल से फ्लिक कर दिया, एंड यहाँ पे जड्डू फेंक है, जड्डू बेटे जल्दी से बॉल फेंक, बहुत बढ़िया। सो गाइस इसी के साथ हम लोगों के अब ये दो ओवर हो गए हैं, एंड ये दोनों ओवर में गाइस मैंने है ना अच्छी तरीके से इन लोगों को बांध रखा है। ओके तो अभी बस मात्र ये पांचवी बॉल फेंकने जा रहा हूँ, एंड ये मैंने पहली बाउंस फेंकी एंड मेरे को वार्निंग मिल गई, खैर मेरे को पता था वार्निंग मिलने वाली थी, चलो ठीक है गाइस कोई दिक्कत की बात नहीं। एंड अब ये लास्ट बॉल डाल रहा हूं, एंड ये लास्ट बॉल में आइए क्या कटाया भाई, सही बता रहा हूँ जसप्रीत बुमराह ने है ना भाई बहुत तगड़ा बॉलिंग करा है। गाइस यार आप लोग क्या चाहते हो कि आप लोग नेक्स्ट टाइम इंडिया वर्सेस कौन सी टीम देखना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना, तो यार मैं आप लोगों को नेक्स्ट वाली वीडियो उसी के ऊपर आके दूंगा। क्या चलो ठीक है मैंने यहाँ पे चौका खा लिया, दो ओवर्स के बाद एक चौका है तो इतना तो बनता ही है। ओके तो गाइस अब मैं ये अपनी तीसरी बॉल फेंकने जा रहा हूँ, एंड ये एकदम स्ट्रेट होने वाली है, एंड क्या यहाँ पे मेरे को विकेट मिलेगा। ओ तेरी भाई साहब छक्का मार दिया, ये डेविड वार्नर भाई बहुत गंदा मार रहा है यार, मेरे को इसको हर हालत में आउट करना पड़ेगा। अब गाइजर मैं एक काम करता हूँ, अभी बस ये वाला और ओवर हो जाए, एंड उसके बाद गाइजर मैं ये दो ओवर कंटिन्यूअस स्पिन डालने वाला हूँ। ओके तो गाइजर ये वाला ओवर खत्म हो गया, एंड अब मैं बुलाने वाला हूँ रविंद्र जाडेजा। ओके एक सेकंड, रविंद्र जाडेजा कौन है, अच्छा ये वाला नीचे। ओके तो गाइस मैं ये रविंद्र जाडेजा को सिलेक्ट कर लेता हूँ, एंड भाई ये लो बेचे मेरी पहली बॉल, एंड देखते हैं भाई पहली बॉल पे डेविड वार्नर क्या करता है। ओके इसने नॉर्मल से शॉट खेला, लेकिन भाई मैंने इन्हें रन ही नहीं लेने दिया, मैंने भाई बॉक्स टाइप फील्डिंग ला रखी है। और अब ये आने वाली है मेरी दूसरी बॉल, और ये ले बेचे। ओके गाइस ये दूसरी बॉल पे भी इन लोगों ने मात्र एक ही रन ले पाए, भाई ये लोग है ना स्पिनर के सामने मार नहीं पा रहे, ये बात तो पक्की है। ओके तो गाइस अब मैं अपनी ये वाली तीसरी बॉल डालने जा रहा हूँ, एंड यहाँ पे इसने नॉर्मल से फ्लिक कर दिया है, एंड वहां पे एक फील्डर फेंक फेंक फेंक, ओ इन लोगों ने दूसरा रन, आइए क्या ये रन आउट है। यस गाइस हम लोगों ने अपने डेविड वार्नर को आउट कर दिया, भाई साहब इन लोगों की क्या पागलपंती थी भाई, ये लोग अपने दूसरे रन के लिए भागे, एंड भाई मेरे भाई दोस्त ने इतना तगड़ा थ्रो फेंका कि भाई मैंने उसको आखिरकार आउट कर दिया। फाइनली गाइज हम लोगों ने डेविड वार्नर, अरे सॉरी एरन फिंच आउट हुआ, चलो ठीक है एरन फिंच को गाइज हम लोगों ने आउट कर दिया। आइए अब आया है स्टीव स्मिथ उसकी जगह पे, अरे स्टीव स्मिथ को भी मार देंगे, चल बेचे भैंस की टांग। ओके तो गाइज इसने पहली बॉल मारी, एंड पहली बॉल पे ही हम लोगों ने इसको कुछ रन नहीं लेने दिया, बहुत बढ़िया। ओके तो गाइज अब मैं अपनी ये वाली पांचवी गेंद डाल रहा हूँ, एंड यहाँ पे इसने ओ भाई साहब छक्का, नहीं आउट है, यस बेटे हमने इसी ओवर के अंदर मैंने गाइज दो विकेट्स को चटका दिया भाई, आ गया स्वाद। हाँ नहीं तो ऑस्ट्रेलिया वाले आइए एक और। ओके अरे यार भाई ये वाला भाई ओवर सबसे ज्यादा बेस्ट गया है, सच्ची बता रहा हूँ दो विकेट ले लिए और भाई बिना किसी नुकसान पर। ओके तो गाइस यार अब मैं इस वाली पारी का आखिरी ओवर फेंकने जा रहा हूँ, जो कि डालने वाला है कुलदीप यादव। ओके तो ये वाला स्पिन कैसे होने वाला है, पहली बॉल पे एंड पहली बॉल पे बोल्ड, ओहो यस बेटे मजा आ गया, आइए भाई मैंने पहली ही बॉल पे डेविड वार्नर को आउट कर दिया भाई, इतनी खुशी मेरे को आज तक नहीं हुई। और गाइस अब उसकी जगह पे आया है ग्रीन मैक्स बेल, देखते हैं गाइस क्या होता है, क्या मैक्स बेल को भी मैं क्या पहली बॉल पे आउट कर पाऊंगा, यानी इसने शॉट उठा दिया, एंड ओ भाई वहां पे मैंने अपना फील्डर लगाया था, आइए भाई वो भी कैच हो गया भाई, मैंने दो बॉल पे दो विकेट ले लिए। ओ भाई साहब भाई ये मैच में मजा आ रहा है, क्या मैं हैट्रिक ले पाऊंगा, क्या मैं हैट्रिक ले पाऊंगा। ऑलराइट तो गाइस यार मैं अपनी हैट्रिक बॉल डालने जा रहा हूं, क्या मैं इसको आउट कर पाऊंगा क्या यहां पे, अरे यार या अच्छी यार मेरा हैट्रिक चांस रह गया, क्या चलो ठीक है कोई बात नहीं यार, हम लोगों ने भाई इनकी पूरी की पूरी कमर तोड़ दी है, हमने पांच ओवर में इन लोगों को मात्र 30 रन पे रोक दिया। ओके तो गाइस ये वाली चौथी बॉल पे भी इन लोगों ने मात्र एक ही रन ले पाए। ओके तो गाइस यार अब ये पांचवी बॉल डाल रहा हूँ, एंड पांचवी बॉल पे क्या होने वाला है। ओके तो गाइस यहाँ पे मैंने पहली बॉल डाल दी, एंड यहाँ पे मेरे ख्याल से ये लोग एक ही रन ले पाएंगे, नाइस वेरी नाइस भाई, मैंने उन लोगों को मेरे ख्याल से
40 रन के अंदर रोक दिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ओके, तो गाइस यार ये मेरी आखिरी बॉल है एंड ये आखिरी बॉल पे नो सिंगल। ओके, तो गाइस हम लोगों ने अपने ऑस्ट्रेलिया को 32 रन पे रोक दिया है एंड गाइस अब है मेरी बैटिंग जो कि जाने वाले हैं रोहित शर्मा और शिखर धवन। ओके, तो गाइस यार मेरे को है ना इन लोगों से बहुत ध्यान से रहना पड़ेगा क्योंकि भाई इन लोगों की बॉलिंग बहुत ज्यादा तगड़ी है। ओके, तो गाइस इन लोगों ने स्पिनर डाला है एंड पहली बॉल पे मैंने स्ट्रेट ड्राइव मारकर मैंने एक रन खींच लिया। भाई जिस तरीके से हमारी स्टार्टिंग हुई थी ना उसके हिसाब से है ना मैंने काफी अच्छा स्कोर कर रहा हूँ। ओके, तो गाइस ये दूसरी बॉल पे भी मैंने बहुत ही आसानी से एक और रन चुरा लिया। भाई मैं ना एक एक करके रन भी चुराऊंगा ना तो भी मैं आसानी से बना दूंगा। आइए, अरे नहीं यार ये पढ़ा ही नहीं शॉट यार, मेरे को लगा था कि यार मैं शॉट मार दूंगा लेकिन शॉट मारा ही नहीं। ओके, तो गाइस अभी चौथी बॉल डाल रहा हूं और चौथी बॉल पे भाई बच गया, भाई बहुत बाल बाल बचा। भाई ये बंदा बहुत तगड़ी स्पिन फेंक रहा है लेकिन चलो ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं एंड यहाँ पे मैं फटाफट से डाइव लगा के बच गया क्या मैं। ओके, तो गाइस मैं फाइनली बच गया। इसके हिसाब से देखा जाए तो गाइस यार हम लोगों ने अपने पहले ही ओवर में 5 रन बना लिए एंड यहाँ पे क्या छक्का जाएगा। अरे नहीं यार मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ छक्का मारने की लेकिन नहीं मार पा रहा, लेकिन चलो ठीक है हम लोगों ने पहले ओवर में 5 रन ले लिया जो कि भाई सही है एक तरह से देखा जाए लेकिन रन रेट हमें बढ़ानी होगी। ओके, तो गाइस यहाँ पे ग्रीन मैक्सवेल आया बॉलिंग करने एंड यहाँ पे पहली बॉल पे व्हाट, पहली बॉल पे रोहित शर्मा को आउट कर दिया। ओ गॉड, भाई ये तो बहुत डेंजर बात हो गई यार। मैं आपकी बार विराट कोहली नहीं यार, मैं आपकी बार एक काम करता हूँ केएल राहुल को भेजता हूँ क्योंकि भाई मेरे को है ना अभी आराम से टिक के खेलना है। ओके, तो गाइस ये रहा पहली बॉल एंड पहली बॉल पर नॉर्मल फ्लिक करके हम लोगों ने एक रन बहुत आसानी से चुरा लिया जो कि बहुत सही बात है। सो गाइस अब ये तीसरी बॉल डलने जा रही है, भाई मेरे को इस बॉलर को बहुत ही आसानी से और बहुत ही आराम से खेलना। ओ ये मिसफील्ड हुआ एंड गाइस मेरे को आसानी से चौका मिल गया शिखर धवन ने। भाई साहब बहुत तगड़ा एक चौका मारा है जो बहुत ही प्यारा ड्राइव मारा है यार। ओके, तो गाइस ये वाला बॉल है व्हाट, एक सेकंड भाई नहीं 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 मैं आउट नहीं हो सकता प्लीज यार। भाई शिखर धवन भी अगर आउट हो जाएगा तो भाई हमारी पूरी की पूरी पारी टूट जाएगी। अरे बेचे, भाई शिखर धवन भी आउट हो गया। भाई मेरा दोस्त ये ऑस्ट्रेलिया की टीम को भाई कितनी तगड़ी तरीके से चला रहा है यार। ओके, तो गाइस मैं यहाँ पे आउट हो गया हूँ एंड अरे यार भाई अब तो बहुत ज्यादा डेंजरस सिचुएशन फैल गई है एंड अब मैं भेज रहा हूँ भाई विराट कोहली को। भाई अब अगर विराट कोहली अगर आउट हो गया तो भाई हमारी टीम पहुंच जाएगी बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन पे एंड वहां से निकलना बहुत मुश्किल है। ओके, तो गाइस यहाँ पे केएल ने बहुत ही नॉर्मल सा शॉट मारा एंड व्हाट, अरे भाई साहब डायरेक्ट थ्रो मार दिया। मैं कह ही रहा था विराट कोहली को पहली बॉल पे आउट कर दिया। अबे भाई ये क्या हो गया यार, अरे शिट भाई। भाई अब एमएस धोनी को भेज रहा हूँ। भाई अब एमएस धोनी है भाई जो है, वरना भाई कोई भी नहीं बचा सकता हमारी टीम को। अरे यार भाई बॉलिंग कितनी अच्छी करी, बैटिंग उतनी ज़्यादा गंदी हो रही है यार। ये दूसरे ओवर के अंदर ही भाई साहब हमारे 3 विकेट गिर चुके हैं एंड यार अभी मात्र 11 रन हुए हैं। छी यार भाई मेरे को ना भाई बहुत ध्यान से खेलाऊंगा। पैट कमिंस आया भाई बॉलिंग करने एंड पहली बॉल पे इसने मिस कर दिया। चलो खैर कोई बात नहीं, भाई प्लीज आराम से खेलो भाई, हमारे पास ज्यादा ओवर भी नहीं है एंड व्हाट द फक भाई हमारा एक और प्लेयर रन आउट हो गया। भाई साहब ये ऑस्ट्रेलिया वाले किस तरीके से भाई बॉल को फेंक रहे हैं। भाई साहब ये एमएस धोनी एंड केदार जाधव, भाई बस ये दोनों ही बंदे हैं जो भाई साहब खेल सकते हैं। अरे भाई यार पूरी की पूरी टीम गिर गई। भाई ये कितना ज़्यादा डेंजर मैच, व्हाट भाई साहब इन लोगों की फील्डिंग एकदम नेक्स्ट लेवल है। भाई अगर मैं ये वाला मैच नहीं जीता ना तो भाई मैं नेक्स्ट वाले मैच में ना अपना पूरा ध्यान रखूंगा कि भाई किस तरीके से चले। अबे भाई साहब क्या यहाँ पे एच का आवाज ही नहीं आया, तुम लोग किस बात की अपील कर रहे हो भाई। अरे मेरे दोस्त ने भाई ये किस चीज़ की अपील करी है यार, भाई कोई साउंड ही नहीं आया, तुम किस तरीके से मेरे को आउट कह रहे हो। भाई इसके हिसाब से कहा जाए कि भाई एज लगाए एंड आवाज आई है, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं लगा भाई, आवाज आई नहीं है। देखो हाँ देखो मैंने बोली थी ना भाई साहब ये लोगों की बॉलिंग है ना बहुत 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 डेंजर है, मैंने नहीं सोचा था कि ये लोग इतनी तगड़ी बॉलिंग डाल देंगे। खैर चलो ठीक है अभी मेरे पास बैटिंग के लिए खैर कोई भी नहीं बचा, सच ही बताऊं तो बैटिंग में। और यहाँ पे मैंने नॉर्मल फ्लिक कर दिया एंड व्हाट द हेक कैच आउट कर दिया मेरे को। अरे भाई साहब ये ऑस्ट्रेलिया की टीम कितनी ज्यादा डेंजर फील्डर है यार। भाई साहब लपक लपक के कैच ले रही है। अरे भाई साहब है LBW आउट, व्हाट भाई ये कैसे हो सकता है। भाई हमारी इंडिया की टीम तो भाई मतलब विकेट पे विकेट गवाई जा रही है। भाई जितनी अच्छी मैंने बॉलिंग करी उतनी बाहियात बैटिंग हो रही है। भाई इतनी गंदी बाहियात बैटिंग भाई मैंने लाइफ में आज तक नहीं देखी एंड भाई साहब आउटसाइड दी पिस्ता एंड एम्पायर कॉल्स आउट है एंड यहाँ पे भाई ये भी आउट हो गया। भाई साहब
अब मैं क्या करूं, सारे के सारे प्लेयर्स आउट हो चुके हैं और मात्र गाइजर अभी 3 ओवर हुए हैं, अभी 2 ओवर बचे हैं। एंड यार अभी मेरे पास है केदार जाधव और कुलदीप यादव, तुम लोगों को क्या लगता है ये दोनों लोग मिलके बना पाएंगे? भाई मेरे को नहीं लगता यार, अरे सॉरी केदार जाधव बोल रहा हूँ, ये अपना रविंद्र जाडेजा है, सॉरी यार मेरे को बोलने में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड हो गया, लेकिन भाई मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि भाई अब मैं जीतूंगा भी या नहीं। वेल यार अब हमारी जीतने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल 10% बची है, अगर भाई अगर ये भी आउट हो गया, एल है, मैं बोल भी रहा था आउट और भाई यहाँ पे सीधा सीधा भाई बोल्ड हो गया, एल बी डब्ल्यू तो लगा है भाई, अब की बार तो लगा है, साफ साफ दिख रहा है यार। छी भाई साहब, हमारा यहाँ पे केदार जाधव कुलदीप यादव सभी लोग आउट हो चुके हैं, अब बस बॉलर बचे हैं। सो गाइज हमारा तो खेल यहीं पे खत्म हो गया। ओके तो गाइज यार ये वाली इस पारी की लास्ट बॉल जा रही है एंड ये यहाँ पे मैंने नॉर्मल 1 ही रन ले पाया एंड हम लोग तो बड़ी मुश्किल से 19 रन पे, एल है वो भी रन आउट हो गए। भाई साहब हमारी टीम बहुत ही गंदा खेली है। सो गाइज आज की वीडियो में था इतना ही, हमारी इंडिया हार गई लेकिन भाई क्या ही कर सकते हैं। तो अब गाइज यार अब अपन लोग मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अब मैं क्या ही कर सकता हूँ यार, नहीं जीत पाए तो नहीं जीत पाए।